संसद भवन में हिंदुत्व के बारे में कांग्रेसी अग्रणी राहुल गांधी की ओर से विवादित बयान दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने मिल रहा है। तब वडोदरा में भी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से कांग्रेसी अग्रणी राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया गया, जिसके मद्देनजर भाजपा युवा मोर्चा ने टांडिया बाजार से लेकर कांग्रेस कार्यालय तक एक रैली निकाली थी, जिसके तहत भाजपा युवा मोर्चा के अग्रणियों और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी हाय हाय के नारे लगाए थे। राहुल गांधी के खिलाफ सूत्रोच्चार करते हुए रोष प्रकट करते हुए जल्द से जल्द कांग्रेसी अग्रणी राहुल गांधी इस मामले में माफी मांगे, ऐसी मांग भाजपा युवा मोर्चा की ओर से साझा की गई। एक तो राहुल गांधी माफी मांगी जो है हिंदुत्व पर आयु हो तो आखा भारत देश ना तमाम हिंदुओं जागरूक थी दिल्ली खाते घरना करवा जो है राहुल गांधी जोड़े त्याज माफी मांगी मंगावी जो है। હું તો તમારા માધ્યમથી દરેક ભારતીયોને હિન્દુઓને મેસેજ આપવા માંગુ છું, આપણે દિલ્હીનો કાર્યક્રમ કરવો જોઈએ એના માટે। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન, બીઆરજી ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર। આજ હી બીઆરજી ન્યૂઝ કી મોબાઈલ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઓર એપ સ્ટોર સે ડાઉનલોડ કરે ઓર ખબરો સે લગાતાર જુડે રહે।